अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आज यहां से पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान की आवाम को याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 के पहले आपके पूर्वज भी इसी संयुक्त हिंदुस्तान की धरती को प्रणाम करते थे, इसी को अपनी मिट्टी मानते थे, और उस हिसाब से आपके उन पूर्वजों की याद दिलाते हुए मैं आज आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगित को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो, और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं, क्या कारण है? पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान हजार साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। पाकिस्तान के नौजवान, आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है? आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं, पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाएं, देखें कौन जीतता है। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश का भविष्य शांति, एकता, सद्भावना से जुड़ा हुआ है। देश का जवान तब जीतता है जब हम कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े रहते हैं, एक स्वर से बोलते हैं,
एक ही संकल्प को लेकर के चलते हैं। आज 125 करोड़ देशवासी उस देशभक्ति के ज्वार से भरे हुए हैं। आज 125 करोड़ देशवासी भारत की आन बान शान के लिए हर कीमत देने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं भारत के उज्जवल भविष्य को देख रहा हूं, भारत में सुख चैन की जिंदगी देख रहा हूं, और उसके लिए